अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा व्लॉग ज़्यादातर जो है ना वो सुबह के टाइम से स्टार्ट हो रहा होता है, वो क्योंकि पूरे दिन की रूटीन शेयर कर रही होती हूँ मैं आप लोगों के साथ। अच्छा, तो मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और आप सियालकोट से बिलोंग करती हैं, तो मैंने कहा आज मैं बता देती हूँ कि मेरी क्वालिफ़िकेशन MSC है, इकनॉमिक्स में मैंने किया हुआ है। और इसके अलावा हम लोग सियालकोट से ही हैं रियल में। जो है हम लोगों ने तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अर्सा सियालकोट से गुजारा, इसलिए आप लोगों को लगता है मेरा एक्सेंट जो है ना वो सियालकोटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी तीनों ज़बानों पर ना अबूर हासिल है। और मैं कभी कभी इसलिए पंजाबी बोल लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। हम लोग घर में पंजाबी बोलते हैं, लेकिन शादी के बाद उर्दू ज़्यादा बोलती हूँ। वो इसकी वजह यह है कि आप बच्चों को भी आप लोग सिखा पाते हैं, क्योंकि मेरी बेटी भी है तो मैं चाहती हूँ कि वो उर्दू बोले स्कूल में जाकर। अच्छा, मैंने आज ना एक चैनल का शाउट आउट भी देना था। मेरी एक सिस्टर है, उनके चैनल का नाम है सफ़ा मरवा फैमिली व्लॉग्स। तो वो सफ़ा मरवा ना, उनकी ट्विंस बेटियां हैं, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है, मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी हैं वो। और उनके ना जो चैनल के कंटेंट है ना वो बिल्कुल मेरे कंटेंट जैसा है। वो अपने बच्चों के साथ उनका सारा दिन कैसे गुजरता है, और वो बहुत अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने भी बनाती हैं, उनके बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स होते हैं। तो आपने ना उनके चैनल को ज़रूर विजिट करना है। मैंने उनके चैनल का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसके अलावा कम्युनिटी में भी लगा दूँगी और कमेंट के साथ भी पिन करूँगी। तो आपने लाजमी विजिट करना है, उनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैंने भी सब्सक्राइब किया क्योंकि मुझे उनका चैनल बहुत अच्छा लगा है, तो इसलिए आप लोगों ने ज़रूर उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ ना आज मैंने निहारी की रेसिपी शेयर करनी थी। निहारी जो होती है ना, क्योंकि बकरा ईद आ रही है ना, तो मैंने सोचा निहारी बनाते हैं आज। तो मैंने यहाँ पर ले लिया था ऑयल, ये दोपहर का टाइम हो रहा है। अभी ऑयल मैंने इसमें डाल दिया था 1 कप, और इसमें 1 किलो जो है वो मटन डाल दिया। मटन की जगह आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मसाले ले लिए थे मैंने, जिसमें बादियान के फूल हैं 3, और इसके अलावा साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और इसके अलावा काली मिर्चें 1/2 टी स्पून, और ये जायफल थोड़ी सी, और ये जो हरी इलायची 2 से 3, और इसके अलावा ये जो होती है दालचीनी के टुकड़े 2 से 3, साथ में 8-10 जवे जो है ना वो लहसन के, और 2 टुकड़ा जो है वो अदरक के ले लिए। इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे ग्राइंड, और एक मसाला मज़ेदार सा बना लेंगे। ये निहारी मसाला होता है बेसिकली ना, इसको निहारी मसाला कहते हैं। ये निहारी का मसाला मैंने रेडी कर लिया यहाँ पर, ये देखिए, क्योंकि 1 किलो के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो फिर यहाँ पे लहसुन अदरक जो था ना वो मैंने उसी डिब्बी के अंदर ही ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि उसके साथ मसाला लगा हुआ था। मैंने कहा क्यों वेस्ट करना है, वॉश करके तो कोई बात नहीं चलता है ये सब कुछ। फिर उसके अंदर मैंने डाल दी थी मसाले के अंदर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और इसके अलावा आप कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टी स्पून डालिएगा। फिर ज़्यादा तेज़ मसाले ना हो जाएँ, आप अपने मर्ज़ी से डाल लें जितने आप खाना चाहते हैं, स्पाइसी या कम स्पाइसी। फिर इसके बाद मैंने 2 टी स्पून नमक इसमें ऐड कर दिया, और हल्दी 1 टी स्पून ऐड कर दी है। अब ये जो मसाला ना, ये हमने निहारी के लिए इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे ना गोश्त को ना आपने कलर चेंज कर लेना, इतना भूनना है इसको। 8 से 10 मिनट के लिए ना फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, फिर हमने बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए कलर आपको चेंज लग रहा है ना, तो अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा कलर इसलिए लहसुन अदरक के पेस्ट का चेंज है क्योंकि मैं मसाले वाले डिब्बे के अंदर ही इसको ग्राइंड कर लिया था। अब मैंने डाल दिया इसमें निहारी मसाला सारा जो हमने बनाया था, इसके अलावा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे अच्छी तरह। भूनने के बाद फिर हमने प्रेशर में इसको टाइम देना है, और ये बहुत ही मज़ेदार सी निहारी जो है ना वो बनती है। ये देखिए भूनने के बाद इसकी कितनी प्यारी लुक जो है वो निकल आई है यहाँ पे। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, मैंने 3 गिलास इसमें डाले हैं। तो आप ज़्यादा कम शोरबा, जितना आप निहारी का बनाना चाहते हैं, ग्रेवी बना सकते हैं, शोरबा सॉरी ग्रेवी कहना था। तो यहाँ पर फिर मैंने प्रेशर लगा दिया था, लेकिन गोश्त को आपने बहुत अच्छे तरीके से गिलाना है। मैंने 15 मिनट के लिए लगा दिया था। और फिर मैंने यहाँ पर ना 1/2 कप लिया था आटे का, जो हम चक्की का आटा यूज़ करते हैं ना, इसमें मैंने इसका गोलिया बना लिया था। पानी डाल के ना इसका बैटर सा बना लेना, इतना थिक होना चाहिए आपका बैटर। जब गोश्त गल जाएगा ना, अब हम चेक करते हैं। तो ये देखिए गोश्त यहाँ पे गल चुका है, और पानी भी आपको नज़र आ रहा है कि इसमें है अभी। तो अब हमने ये वाला जो बैटर हमने बनाया, ये थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। बस हमने इस तरह ना इसको सारा बैटर डाल देना, क्योंकि निहारी की जो रियल रेसिपी है ना वो ऐसे ही है बनती है। तो ये आपने बनानी ज़रूर है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बस इसको हम लोग मिक्स करते जाएंगे और गोलिया जो है ना वो सारा डाल देंगे। तो अभी मैंने सारा डाल दिया और थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे भी। आपने जितनी इसकी ग्रेवी बनानी है ना आप उस हिसाब से इसको पका लें। फिर हम इसका तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पे तड़के के लिए मैंने ऑयल ले लिया है, इसमें डाल दिया मैंने ये पिसी हुई लाल मिर्च का 1 चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, ये टीस्पून मैंने इसमें यूज़ किए हैं। इनको डालने के बाद ना साथ आप अगर आप कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्म मसाले की सारी चीज़ें तो हमने ग्राइंड करके जो है वो मसाले के अंदर निहारी के अंदर डाल दी हैं। तो ये तड़का रेडी हो गया था। तो यहाँ पे मैं गार्निश कर रही हूँ, निहारी डाली है और उसके ऊपर हम ये वाला डाल देंगे तड़का। तो ये ग्रेवी मैंने इतनी रखी है, आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से जो है वो कर सकते हैं। अब ये तड़का डालने के बाद इसकी इतनी प्यारी लुक आएगी ना कि देखिए आपको मज़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने इसको गार्निश कर लिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन और इसके अलावा अदरक और हरी मिर्चों के साथ, अगर आप चाहें ना तो इसमें ब्राउन की हुई प्याज भी डालें, लाजमी डालें, इससे बड़े मज़ा आता है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमें तो बहुत ही आज मज़ा आया था निहारी खा के। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है ईद पे। ये देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह से इसकी लुक आई है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट फिर मैंने सोचा कि अभी बकरा ईद आ रही है तो डिज़र्ट्स भी हर घर में बनाए ही जाते हैं, तो चलिए डिज़र्ट भी आज आपको डिफरेंट सा आज बनाना सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जनाब 1/2 कप चीनी का। तो सबसे पहले चीनी को जो है ना वो हम ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि मैंगो का सीज़न है, तो मैंने सोचा कि मैंगो का ही डिज़र्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मैंगो का डिज़र्ट्स जो है ना वो बहुत ही मज़े का डिलीशियस बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक ना 0.5 किलो वाला, ये बहुत बड़ा मैंगो आपको लग रहा है, वीडियो में शायद छोटा लग रहा हो लेकिन ये काफ़ी बड़ा था। तो मैंने ये ना इसके थोड़े से क्यूब्स कट कर लिए, ये सिर्फ गार्निश के लिए किए हैं, बाकी सारे की हम बना लेंगे प्यूरी। तो यहाँ पर ग्राइंड कर लेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालना आपने इसकी प्यूरी बनाते हुए। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट सा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मैंने पहले कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, इसके लिए मैंने लिया व्हिप क्रीम। व्हिप लेनी है आपने, दूसरी नहीं लेनी। व्हिप होती है जो केक वगैरह में यूज़ होती है ना, तो इसको ठंडा कर लेना व्हिप क्रीम को। फिर एक बाउल ले लें, उसके अंदर व्हिप क्रीम डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ इसको फ्लफ अप करने के लिए। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आपको हैंड बीटर जो घर में अक्सर यूज़ करते हैं आप उसके साथ भी इसको फ्लफ अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने चीनी डाल दी। तो इसको ना थोड़ा सा पॉपअप क्या कहते हैं, फ्लफ़ी करने के लिए ना, फ्लफ़ी ज़्यादा नहीं करना, फुल फ्लफ़ी नहीं करना हमने व्हिप क्रीम को, थोड़ा सा करने के बाद चीनी डाल देनी है। और फिर उसके बाद में हमने इसमें मैंगो की प्यूरी, थोड़ी सी मैंगो की प्यूरी ना मैंने गार्निश के लिए निकाल ली थी 2-3 चम्मच, और बाकी फिर मैंने उसके अंदर थोड़ी थोड़ी डालती गई हूँ और इसको मिक्स करती गई हूँ। हैंड बीटर आपने चलाते जाना है, अगर आपके पास हैंड बीटर है तो हैंड बीटर ले लें, अगर इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक का यूज़ कर लें। हाफ़ डाल के मैंने फिर इसको बीट किया, लेकिन बाद में फिर मैंने हाफ़ डाल दी और फिर मैं अब इसको अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। इसको इतना बीट करना है कि ये फूल के ना बड़ी ज़्यादा हो जाए। ये देखिए ना कितनी ज़्यादा होगी, थोड़ी सी थी हालांकि ये बाउल के अंदर। तो फिर इसके अंदर मैं ऑल पर की ये क्रीम डाल रही हूँ, ये 1/2 पैकेट मेरे पास पड़ा हुआ था। वैसे ये इसकी रियल रेसिपी में नहीं ये क्रीम ऐड नहीं होती क्योंकि मैंगो खट्टा था तो इसलिए मुझे डालनी पड़ी। तो लेकिन आप कोशिश करेंगे मीठे मैंगो का यूज़ करें। मैंगो यहाँ पे ना मुझे खट्टा मिला था, इतना मीठा नहीं था, तो इसकी वजह से मैंने क्रीम एक्स्ट्रा डाली है ऑल पर की, और मैंने इसमें चीनी का भी ज़्यादा यूज़ किया है। और उसके बाद मैंने ये मैरी बिस्किट ले लिए हैं 5 बिस्किट्स। पहले सबसे पहले हम ना नीचे इसकी लेयर लगाएंगे। तो ये बहुत ही मज़े का डिज़र्ट बनता है सच में, आज तो मज़ा आ गया था। फिर मैंने इसके ऊपर लेयर के ऊपर ना डाल दिया था ये मैंगो का जो हमने बनाई थी ना, ये इसकी क्रीम जो बनाई थी वो डाल दी थी, इसकी एक लेयर लगा देनी। ये डिफरेंट सा डिज़र्ट है और सबको बहुत पसंद आएगा। आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं, ईद पे ज़रूर बनाइएगा। फिर इसमें थोड़े से फ्रूट्स डाले हैं जिसमें मैंने बनाना और मैंगो का यूज़ किया, तो आपकी मर्ज़ी आप जिस तरह के यूज़ करना चाहें फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये वैसे क्योंकि मैंगो का डिज़र्ट है तो इसलिए मैंने मैंगो का ही ज़्यादा यूज़ किया है। तो फिर उसके बाद फिर मैरी बिस्किट की एक लेयर लगा देंगे क्योंकि एक लेयर मैंने फ्रूट्स की लगाई है। अब उसके बाद फिर बिस्किट की एक लेयर लगाएंगे, उसके बाद फिर हम बाकी की ये जो क्रीम है ना हमारी ये सारी डाल देंगे और इसको हम इवन आउट कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इवन आउट करना है इसको ताकि ये बिल्कुल ऐसे स्मूद होता है ना, स्मूद, ये बिल्कुल स्मूद हो जाए क्योंकि इसके ऊपर गार्निश करनी है। तो गार्निश करने के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास ये क्या कहते हैं उसको, वो पैकेट से मिलते हैं ना जो केक वाले होते हैं, वो मेरे पास नहीं था। जिप पता नहीं क्या कहते हैं, जिपर सा के क्या कहते हैं। मैंने ना फिर शॉपर के अंदर डाली वो प्यूरी और इसको ना डिज़ाइन बनाने की कोशिश की, लेकिन डिज़ाइन इतना मोटा निकला, सुराख बहुत ज़्यादा मोटा हो गया मुझसे। तो ये देखिए कितना मोटे जिगजैग बन गया, मैंने छोटे छोटे बनाने थे बारीक से। फिर उसको मैंने ना टूथपिक की मदद से ना अच्छा सा डिज़ाइन बनाना था लेकिन ख़राब हो गया, कोई बात नहीं। फिर मैंने ऊपर बिस्किट्स की ही गार्निश कर दी, मैंने कहा चलो खैर अब ऐसे ही इसको गार्निश कर लेती हूँ। तो इसको ना अभी रैप करके ना हम रख देंगे फ्रिज में और 3 घंटे के बाद आप इसको डिश आउट कीजिएगा, क्योंकि अगर तो आपने जल्दी सर्व करना ना, अगर आपके मेहमान आ रहे हैं तो आप फिर ऐसा करें कि आप फ्रीज़र में इसको 1 घंटा रख दें, लेकिन ज़्यादा नहीं रखना, सिर्फ 1 घंटा रखिएगा। और उसके बाद आप इसका टेक्सचर चेक करेंगे ना, सच में कमाल का टेक्सचर था, इतना मज़ा आया कि मैं क्या आप लोगों को बताऊँ। कि मैं सिर्फ यही कहूँगी आप ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने पर, तो इंशाल्लाह आपको वाकई मज़ा आएगा बकरा ईद पर अगर आप ये ट्राई करेंगे ना ये वाला डिज़र्ट। तो ये वाला डिज़र्ट मेरे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, भाई वगैरह आए हुए थे, मैंने उनके आगे रखा था, उनको तो बहुत ही अच्छा लगा, वो कहते बहुत ही कमाल है। तो इसके बाद फिर मैंने इसको कर लिया था, तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे फ्रिज में रखे हुए। तो यहाँ ये देखिए इसका टेक्सचर कितना खूबसूरत आया ना, बहुत ही डिलीशियस बना था। उम्मीद करती हूँ ये वाली रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बकरा ईद आ रही थी ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को डिज़र्ट भी सिखा दूँ और निहारी भी बनानी सिखा दूँ। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर फिर मैं खिचड़ी बना रही थी, क्योंकि अभी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर ने उसको कहा था कि नरम गज़ाएँ खिलानी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दाल लेके ना थोड़ा सा नमक डाला मैंने और साथ पकने के लिए रख दिया था, और साथ ही मैंने चावल डाल के ना तो इसको बस ज़्यादा सारा पानी डाला था ताकि ये नरम सी जो है ना वो खिचड़ी बने। तो ये बहुत मज़े की बनी थी। इसके अंदर ना मैंने रेड वाली दाल यूज़ की है, वैसे कुछ लोग येलो वाली भी यूज़ करते हैं, कुछ रेड भी डाल लेते हैं, रेड जल्दी गल जाती है इसलिए मैंने रेड डाल दी थी। तो ये देखिए खिचड़ी कितनी मज़े की बन चुकी है यहाँ पर। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आपने अपना ना फीडबैक ज़रूर देना वीडियो कमेंट सेक्शन में। और मेरी बहुत सारी बहनें जो कहती हैं कि शाउट आउट के लिए, तो मैंने उनके चैनल बहुत सारे चेक कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियोस तो एटलीस्ट 200-250 बना लो, फिर ही शाउट आउट के लिए कहो। मैं आप लोगों के पैसे नहीं ज़ाया करवाना चाहती, तो इसलिए कहती हूँ मैं आप लोगों को, बल्कि कह देती हूँ जिन्होंने मुझे 25-30 वीडियोज़ पर भी सेंड किया होता है ना शाउट आउट, तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि आप वीडियोस ज़्यादा करें, फिर मैं आपको शाउट आउट दूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों के पैसे नहीं वेस्ट करवाना चाहती। मैंने पेड कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं हर एक को शाउट आउट देती रहूँगी पैसों के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनकी वीडियोस ज़्यादा होंगी, जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, सिर्फ उनको फ़ायदा होता है शाउट आउट का, बाकियों को कोई फ़ायदा नहीं होता। जिन्होंने कल भी चैनल बनाया वो भी आज आके कह रही हैं आप ही शाउट आउट दे दें, पेड बेशक दे दें। तो मैं उनके पैसे क्यों ज़ाया करवाऊँ भाई, आप लोग अपनी वीडियोज़ ज़्यादा करें फिर मुझे शाउट आउट के लिए कहें। एटलीस्ट 200 वीडियोज़ होनी चाहिए और आपके सब्सक्राइबर्स भी तकरीबन 1000-1500 होने चाहिए, फिर ही आपको शाउट आउट का फ़ायदा होता है। अपने पैसे ज़ाया ना करें और ना ही मेरा टाइम वेस्ट करें। प्लीज़ आप लोग मेहनत करें अपने चैनल पे और फिर मुझे आके कहें कि आप ही हमारा चैनल जो है ना वो चेक करें, शाउट आउट दें, क्योंकि मैं कभी किसी को ना गलत मशवरा नहीं देती और ना ही मैं चाहूँगी कि आप लोगों के पैसे जो है ना वो मैं ज़ाया करवाऊँ। इसलिए आप लोग अगर मुझे मैसेज भी कर रहे हैं तो मैं पहले यही कहती हूँ कि अपना लिंक भेजें, मैं आपका चैनल देखूँगी, फिर आपको शाउट आउट मिलेगा, चाहे पेड मिले चाहे फ्री। तो मैं लिंक देखे बगैर मैं किसी को शाउट आउट नहीं दे रही, और अगर दे भी रही हूँ तो मैं उन चैनल्स को दे रही हूँ जो जिनको देख के लगता है कि हाँ इनको शाउट आउट की ज़रूरत है। अगर कम्युनिटी में आप लिंक का कहेंगे तो मैं वहाँ पे भी लगा दूँगी और शाउट आउट भी दे दूँगी, लेकिन प्लीज़ मेहनत करें, वीडियो ज़्यादा बनाएं। और यूट्यूब पे अगर आपने आना है तो आप भूल जाएं अपनी अर्निंग को, यूट्यूब पे सालों लगते हैं, जिंदगियाँ लगती हैं, फिर जाके चैनल कामयाब होता है। जो जल्दी कामयाब हो जाते हैं ना वो उनकी लक होती है, जो 2 साल में 1 साल में कामयाब होते हैं, ऐसा नहीं होता, सालों लगते हैं, 4-5 साल तो एटलीस्ट लगते ही हैं आपको यूट्यूब पर, अगर आपकी लक नहीं काम कर रही। तो बस मेहनत करें, यही कहूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे व्लॉग को आगे बहुत सारे लोगों के साथ प्लीज़ शेयर कर दिया करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।